अच्छा है सर, वी आर वेरी थैंकफुल. सप्लाई पहुंचते रहते हैं ना सर? अभी थोड़ी सी हमारी डिस्टरबेंस हो जाती है बिकॉज ऑफ हाईवे क्लोज्ड होता है. बाय एयर लाओ ना सर, इतना स्टॉक बाय एयर नहीं, मैं बोल देता हूँ उसको. सर यहाँ पे के लिए अलग व्यवस्था करें, लोकल सीएनडीएफ. ये तो बहुत बड़ा कोई समझ नहीं आता है. नहीं सर, हमारा लोकल सीएनडीएफ का बिकॉज इन बीपीटी आई हैव सप्लाई सर, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम. लेकिन आप लोग थोड़ा जन औषधि केंद्र पर कैंसर की मेडिसिन सस्ती मिलती है, डायबिटिक की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन, बुखार की मेडिसिन, सब मेडिसिन सस्ती. इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है. और यही बड़े दिल के इंसान का काम है कि आपको फायदा हुआ इतना नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के दूर दूर पहाड़ों में, गांवों में भी ये व्यवस्था मिलनी चाहिए. मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने औरों की चिंता की और आपने मुझे अच्छा मार्गदर्शन किया. मैं आपका आभारी हूं. और गुलाम नबी साहब आप बैठिए आराम से. मेरे लिए खुशी है कि मेरे यहाँ दिल्ली में भी मेरे एक मित्र है, वो भी आप ही के नाम है उनका, गुलाम नबी. राघव लंगर साहब महकमे साहब के नाजिम, जनाब डॉक्टर समीर मचू साहब, ड्रग कंट्रोलर जेल के मैडम. हम सुगम में देख सकते हैं. एंड सेकेंड भी जो उससे मेन बेनिफिट है, कंपैरिजन ऑफ रेट्स. मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को. बहुत पता आएगा कि इसको किस तरह से आगे चलाएंगे. इन जितने भी 104 बोर बल्स है हमारे साफ्रा नहर में पूरे लगाया गया है, इंस्टॉल किए गए, लेकिन अब इसको चलाने आगे किस तरह से चलेगा, इसका पीछे कौन रखवाली करेगा, नहीं चला सकते हैं एक फार्मा जो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनका लोग. मैं क्या मदद करूँ सर? वी वांट डायरेक्ट इनकी मार्केटिंग बनने चाहिए, जहाँ की ब्रोकर सिस्टम मार्केटिंग सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल पुलवामा में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के जनऔषधि केंद्र पर विस्तार से बातचीत किया, लाभार्थियों से बातचीत किया, और गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को जनऔषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती और क्वालिटी दवा मिलती है और उससे गरीबों को फायदा भी होता है, ऐसा यहाँ के लाभार्थियों ने भी कहा. और सारे देश में जनऔषधि दिन के अवसर पर लोगों ने भी ये बात कही. दूसरा, आज यहाँ मेरा दौरा के दरमियान कई किसान के डेलीगेशन मुझे मिले, युवाओं के डेलीगेशन मुझे मिले, कई केसर फार्मिंग करने वाले किसान भी मुझे मिले, और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट के संदर्भ में मुझे प्रेजेंटेशन मिला. यहाँ जो बनाते हैं अपने हैंड आर्ट, ये भी लोग मुझे मिले, हैंडलूम वाले भी मुझे मिला. सभी से मेरी विस्तार से बातचीत हुई है और जिसकी भी समस्या मेरे ध्यान में रखी गई है, ये सभी समस्या के संदर्भ में मैं यहाँ के LG से भी बात करूँगा. और कई फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र यहाँ नियमित पहुँचना और श्रीनगर को रैक मिलना, ये मेरी मिनिस्ट्री का काम है, मैं यहाँ उपलब्ध कराऊँगा. यहाँ के जो हैंडलूम वाले लोग हैं उसकी भी समस्या है, यहाँ DC ने कहा कि उसका सोलूशन मैं यहाँ ही करूँगा. ऐसा करके यहाँ जो भी विषय मेरे ध्यान में लाया गया है उसको मैं इनिशिएटिव लेके उसकी रिक्वायरमेंट फिलफुल हो इस संदर्भ में हम कार्यवाही